हाय गाइस, मैं शांत, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। SG1, SG2 एंड SG3 तीनों लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ फ्रेशर्स की नहीं, एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी भी बताएंगे कि एक्चुअली कितनी रेंज में लाई करती है। क्योंकि जब तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो तो तुम्हारी सैलरी ना कॉन्स्टेंट नहीं होती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सर्चेज यू हैव डन, या फिर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। अगर तुम उस कंपनी में पहले से काम कर रहे हो, तुम्हें लास्ट इंक्रीमेंट्स कितने मिले हैं। बट सबके ना बैंड्स होते हैं, एवरेज मतलब होता है कि इतनी लोअर इतना होगा और लाइक हायर इतना होगा, ठीक है। एंड उसके बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है। वेन यू ज्वाइन लाइक SG1 भी, अगर तुम किसी और कंपनी से आते हो तो भी सेम चीज़ होती है। बस फ्रेशर्स की सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उसके अलावा सब रेंजेस होती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो एप्पल ओपी, या फिर तुम्हारी कोई भी फेवरेट कंपनी हो जिसका तुम्हें नेक्स्ट सैलरी ब्रेकडाउन चाहिए हो वो तुम बता देना, हम वो भी कर देंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में बता दूं तुम्हें कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जब तुम देखते हो न्यूज़ में 37 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 1 करोड़, जो CTC होता है, CTC की जो फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। CTC इज नॉट डिवाइडेड बाई 12 तुम्हारी मंथली सैलरी। ये मिसकंसेप्शन स्कूल किड्स को, कॉलेज किड्स को बहुत ज़्यादा होता है जब वो सुनते हैं कि यार 43-45 लाख का, 50 लाख का पैकेज मिल गया तो मतलब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। इट हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स, इट हैज़ बेस सैलरी, स्टॉक कंपोनेंट्स, तुम्हारे एनुअल टारगेटेड बोनस, इसके अलावा तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस, एंड ऐसे ऐसे और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बारी बारी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद तुम्हें सारी सैलरीज बता देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है यार, वो तुम्हारा होता है बेस सैलरी। अब बेस सैलरी क्या होती है? बेस सैलरी होती है जो तुम्हें हर महीने अकाउंट में आएगी, ठीक है। टोटल डिवाइड बाय 12 तुम्हारे हर मंथ अकाउंट में आती है। उसमें थोड़ा टैक्स कटता है, तुम्हारा PF कटता है, तुम्हारे तुमने कोई और डिडक्शंस वगैरह ले रखे तो वो सब कटते हैं। उसके बाद फाइनली जो एक्स अमाउंट तुम्हारे जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है वो तुम्हारा होता है बेस सैलरी। सेकेंड चीज़ जो होती है जनरली जो कंपनी देती है, दैट इज योर ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस में क्या होता है, तुम्हारे एक्स अमाउंट एक दे देते हैं तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस के लिए, एंड वो तुम्हारी एक कंडीशन के साथ आता है कि तुम्हें एक साल इस कंपनी में रहना पड़ेगा। अगर तुम एक साल से पहले छोड़ के जाते हो, 6 महीने से पहले छोड़ के जाते हो, यू हैव टू रिटर्न दैट ज्वाइनिंग बोनस। सिमिलरली रिटेंशन बोनस क्या होता है, जब तुम एक साल कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें रिटेन होने के लिए, मतलब तुम यहाँ पे रुके हुए एक साल के लिए, उसके लिए तुम्हें कुछ बोनस मिलता है। एंड ऐसी कई कंपनीज अपने ज्वाइनिंग बोनस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 50% तुम्हारा होता है ज्वाइनिंग बोनस, 50% तुम्हारा जो बचा होता है वो एक तरीके से रिटेंशन बोनस होता है, जो तुम्हें 13th मंथ की सैलरी में मिल रहा होता है। एंड कुछ कंपनीज जैसे अमेज़न, वो जो ज्वाइनिंग बोनस देती है वो तुम्हारी सैलरी के साथ ही क्रेडिट होता है, वो डिवाइडेड बाई 12 करके हर महीने तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में दे रही होती है। ऐसा नहीं होता तुम्हें वन टाइम एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। एंड ऐसे सब कंपनीज का अपना अपना सिस्टम होता है, बट जनरली दो पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। तुम्हें एक ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है और तुम्हारी रिटेंशन मिल जाता है, कई बार सारा कुछ ही ज्वाइनिंग मिल जाता है। सो दिस इज, दीज आर द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो तुम्हारा कंपोनेंट आता है वो तुम्हारा होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, तुम कंपनी में कैसा परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। तुमने जो लास्ट पूरे एक साल में काम किया, तुमने क्या क्या डिलीवरेबल्स दिए, उन सब पे डिपेंडेंट होता है तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस। अब परफॉर्मेंस बोनस की जनरली रेंज होती है तुम्हारी 0-20% मोस्ट कंपनीज में, ठीक है। एंड एवरेज 12-13% सबको मिल जाता है। इफ़ यू परफॉर्म वेरी गुड तो तुम्हें 17-18% तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है परफॉर्मेंस बोनस। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do। अब cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, तुम प्रोजेक्ट्स करने से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो। अब यार क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6-40 लाख रुपीज। यार विद 3,000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, Grow, Cred, Flipkart, Paytm, Cryo के जो grads हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज। क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो, ठीक है। अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे, एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी, एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। यार यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ, उसके साथ कुछ फ्रीबीज वगैरह भी है वो तुम्हें सारे मिल रहे होंगे, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जाके जरूर रजिस्टर कर देना, ठीक है। बस तुम अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। अब वो आगे जाके जब हम एप्पल की डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें दिख जाएगा कि एक्चुअली कैसे सारी कैलकुलेशन होती है। एंड इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो तुम्हारा आता है RSUs या फिर ESOPs। अब ESOPs कौन सी कंपनीज के लिए होते हैं, जो कंपनीज अभी तक लिस्टेड नहीं है, जिनका IPO नहीं हुआ है। जैसे Zomato
का अब तुम्हें शेयर्स मिलते हैं पेटीएम के, अब तुम्हें शेयर्स मिलते हैं तुम्हें, मतलब RSUs मिलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब इसके आगे रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स और यूनिट्स में क्या चीज़ है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि तुम्हारे नाम पे एक्स अमाउंट के स्टॉक्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे, बट वो वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे कुछ कुछ टाइम के बाद वेस्ट हो रहे होंगे। वेस्ट होने का क्या मतलब होता है, वेस्ट होने का ये मतलब होता है कि तुम कितने टाइम बाद उस स्टॉक को सेल कर सकते हो, दैट इज योर वेस्टिंग पीरियड। अब जनरली ये चीज जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो कंपनी में 3-4 या 4 साल होता है, कई बार 5 साल भी होता है। तो तुम्हें अगर 40 लाख के स्टॉक्स मिले हैं तो डिवाइडेड बाई 4 तुम्हें 10 लाख के स्टॉक्स हर ईयर तुम्हारे वेस्ट हो रहे होंगे, एंड फर्स्ट ईयर के बाद जनरली ये तुम्हारे क्वार्टरली वेस्ट होते हैं। तो तुम्हारे पहले तो 25% हो गए 1 साल के बाद, उसके बाद हर क्वार्टर हर 3 महीने के बाद तुम्हारे 6.25% तुम्हें स्टॉक्स मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं। इसके साथ तुम्हें फिर परफॉर्मेंस बोनस के साथ भी तुम्हें स्टॉक्स मिलते हैं, तुम्हें प्रमोशंस के साथ भी स्टॉक्स मिलते हैं, वो सारे ऐसे ही ऐड होते रहते हैं ऐड होते रहते हैं, एंड स्टॉक्स वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जाता है जैसे तुम कंपनी में आगे स्टे करते जाते हो। इसके बाद तुम्हारा आता है रिलोकेशन बोनस, ठीक है, रिलोकेशन बोनस सब कंपनीज नहीं देती हैं इसलिए ये जनरली तुम्हारा ऐड नहीं करते हैं CTC में, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ रिलोकेशन बोनस भी तुम्हारा वेरी करता है बहुत ज़्यादा, 1 लाख to 3 लाख 4 लाख 5 लाख, डिपेंडिंग तुमने नेगोशिएट कैसे किया है, वो कंपनी कितना ज़्यादा तुम्हें रिलोकेशन मतलब देना चाहती है नहीं देना चाहती है। कई बार ये तुम्हें कैश मिल जाता है इन हैंड, या फिर कई बार तुम बेनिफिट्स वगैरह भी ले सकते हो कि तुम्हारे लिए कंपनी एक होटल 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए बुक कर देगी, ठीक है, तुम्हारे ब्रोकरेज वगैरह तुम्हारा रीइंबर्स करा देंगे, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तुम्हारा पूरा सीन है। अब स्टार्ट करते हैं एप्पल की सैलरी डिस्कशन, ठीक है, जो एप्पल की बेस सैलरी है फॉर SG1 वो तुम्हारी जनरली लाए करते हैं 15.5 लाख से लेके 20 लाख तक, बट जब वो अभी कॉलेजेस में जो एप्पल आ रहा है वो जनरली 17 LPA तुम्हें बेस सैलरी दे रहा है, ठीक है, 17 लाख पर एनम तुम्हें बेस सैलरी दे रहा है एप्पल। एंड अगर तुम लाइक स्विच करते हो किसी और कंपनी से फिर SG1 बनते हो सकता है तुम्हें 15.5 वाला ब्रैकेट दे या फिर 20 वाला ब्रैकेट दे, दैट डिपेंड्स ऑन द योर लास्ट CTC, तुम्हें लास्ट कितने पैकेज वगैरह मिला था, बट जनरली दिस इज द वन। अगर तुम कॉलेज फ्रेशर हो और तुम डायरेक्टली ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सेलेक्ट होते हो तो तुम्हें 17.5 LPA मिल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस होता है वो 5 से 10% है, तो इसका मैक्सिमम जो 10% क्या होगा तुम्हारा 1.7 लाख तुम्हारा हो जाएगा परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 50 लाख के अराउंड स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है, 40 to 50 लाख, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो 40 to 50 लाख तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, एंड ये डिवाइड तुम्हारे वेस्टेड होते हैं 4 साल में, तुम्हारे वेस्टेड होते हैं 4 साल में, तो हर साल तुम्हें ऑलमोस्ट 10 लाख से 12.5 लाख के अराउंड स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द होल सैलरी, मतलब इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, ये तुम्हें सारे मिल रहे होते हैं। इसके अलावा तुम्हें एप्पल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तुम एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो तुम्हें डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, 27% डिस्काउंट मिलता है फर्स्ट प्रोडक्ट पर, नेक्स्ट शायद 3 या 4 प्रोडक्ट्स पे, 2 या 3 प्रोडक्ट्स पे तुम्हें मिलते हैं 15% 17% ऑफ सॉर्ट ऑफ, तो तुम्हें एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा होता है, प्लस तुम्हें एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी कुछ बजट मिल रहा होता है $200-$300 का, जो तुम यूज़ कर सकते हो कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा तुम्हें एक चीज़ और मिलती है जैसे जो है तुम्हारा 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस, जो मैंने तुम्हें बताया था ज्वाइनिंग बोनस भी मिल रहा होता है कंपनीज में, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का टोटल CTC बनेगा वो बनेगा 17 प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस अराउंड 1.5 लाख, ले लेते हैं उसको एवरेज आउट करने के लिए, तो तुम्हारा हो गया 30.5 लाख, राइट, तुम्हारा 30 लाख के अराउंड ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का टोटल लाइक सैलरी हो गई इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, इस पर टैक्स वगैरह तुम्हारा कटता ही है एंड तुम्हारे इसमें PF वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो 17 लाख में जो जनरली इन हैंड सैलरी तुम्हारी आती है 1 लाख 1 लाख समथिंग प्लस 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 माइनस टाइप्स आती है 1 लाख समथिंग, अगर तुम इसमें ESPP वगैरह भी ले लेते हो, इसमें तुम अपने PF वगैरह भी ले लेते हो और टैक्स वैक्स कटने के बाद, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का हो गया फॉर SG1। अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं तुम्हारे SG2 की सैलरी, ठीक है, SG2 में जो यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए वो ग्रेटर देन 3 ईयर्स चाहिए, ठीक है, 3 ईयर से कम जनरली एप्पल इंडिया में या फिर बाहर भी तुम्हारे SG2 हायर नहीं करता है, बट वही एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो हो सकता है कोई एक्सेप्शन भी अवेलेबल हो। इसके अलावा जो यहाँ पे बेस सैलरी तुम्हें मिलती है वो तुम्हें मिलती है 25 लाख से लेके 35 लाख पर ईयर तक, ठीक है, तुम्हें 25 to 35 लाख मिलती है, ये भी 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज द बेसिक सैलरी वट यू गेट। देन वही सेम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है तुम्हें 5 से 10%, तो इसका भी हम परफॉर्मेंस बोनस अराउंड मान लेते हैं तुम्हें मिल रहा है 25 लाख मिनिमम वाली लेके चलते हैं, ठीक है, तो 25 लाख का तुम्हें अराउंड 2 लाख तुम्हें यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारे स्टॉक्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं 50 लाख टू 1 CR,
एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम्हें कितने ज़्यादा कंपीटिंग ऑफर्स है तुम्हारे पास, तुम कौन से लेवल पे जा रहे हो, अगर SG2 जा रहे हो तो कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद जा रहे हो। तो दीज आर द कंपोनेंट्स एंड जॉइनिंग बोनस तुम नेगोशिएट कर सकते हो जनरली, क्योंकि तुम कॉलेज फ्रेशर नहीं हो तो जॉइनिंग बोनस एज सच फिक्स नहीं होता। अगर तुम ये उनका एक हर कंपनी का टूल होता है, उसमें टूल्स में वो डिटेल्स वगैरह डालता है, अगर तुम एक चीज़ को इंक्रीज कराओगे तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाती है। तो अगर तुम्हारा पहले ही बेस काफ़ी ज़्यादा है या फिर तुम्हें स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मिल रखे हैं तो जनरली कंपनी तुम्हें जॉइनिंग बोनस नहीं देंगी। बट योर बेस इज लेस और इफ़ योर स्टॉक्स आर लेस एज कम्पेयर टू द मार्केट या फिर और जो उस लेवल पे लोग हैं तो तुम्हें फिर वो दे देंगे थोड़े जॉइनिंग बोनस वगैरह भी, एंड ये तुम्हारा पूरा हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो वेस्टेड इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो तुम्हारा 25 लाख बेस हो गया, 2 लाख तुम्हारा जॉइनिंग बोनस, तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस हो गया, एंड तुम्हारे यहाँ पे 12.5 लाख के स्टॉक्स हो गए पर ईयर। जो तुम्हारे यहाँ पे टोटल कॉम्पनसेशन आता है निकल के वो तुम्हारा आता है 39 लाख, मतलब अराउंड 40 लाख पर ईयर। दैट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें वेरिएबल है। हमने सबसे लोअर बैंड वाला लिया कि 25 बेस ले लिया, 50 तुम्हारा वो ले लिया, बट ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हैं। मार्केट तुम्हें पता है आजकल बहुत हॉट चल रही है, तो जो लोगों को सैलरीज मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है जनरली। इसका जो हायर एंड वाला है वहीं मिल रही होंगी, तुम हायर एंड वाला कैलकुलेट करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दैट इज़ रियली गुड। अब लास्ट आ जाते हैं SG3 पे। अब SG3 जो यहाँ पे हायर करते हो तुम्हारे मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बेस सैलरी होती है 40 लाख टू तुम्हारे 60 लाख पर ईयर होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा तुम्हारा जो परफॉर्मेंस बोनस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वही 5-10% परफॉर्मेंस बोनस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे ऑन हायर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऑन हायर स्टॉक्स जो है तुम्हारे 90 लाख टू 1.6-1.7 CR तक मिल सकते हैं, 1.65 CR डाल देते हैं। मतलब ये अपर और लोअर काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है तुम्हारे लास्ट तुम्हारा CTC कितना, बट 7 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें यहाँ पे मिल ही सकता है। एंड अगर तुम इसको डिवाइड करोगे फिर से, एवरेज ले लेते हैं 1 CR, तो तुम्हारे 25 लाख के अराउंड हर साल स्टॉक्स तुम्हें मिल रहे होंगे, ठीक है। 40 लाख तुम्हारा बेस है, 25 लाख के तुम्हारे स्टॉक्स हैं, और इस पर अगर तुम वही 5-10% वाला परफॉर्मेंस बोनस लगाओगे तो तुम्हारा अराउंड 3 लाख परफॉर्मेंस बोनस ले लेते हैं, 5-3-8, तो तुम्हारा अराउंड 68 लाख पर ईयर तुम्हारी जो होगी कंपनसेशन हो गई। एंड दैट कैन गो अप टू मोर देन अ CR, मतलब मोर देन अ करोड़ इन इंडिया इन ईयर इफ यू आर 7 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस। ऐसे जो तुम्हारी और कंपनीज है फैन कंपनीज, वो भी काफ़ी कंपिटेटिव तुम्हें ऑफर्स दे देती हैं। एंड सैलरी नेगोशिएशन एक काफ़ी अच्छा टूल है जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफर्स लेके तुम अपनी सैलरी को इंक्रीज करा लेते हो टू अ पॉइंट, एंड उसके बाद जो बेस्ट तुम्हें मिलता है तुम उसमें चले जाते हो। सो दिस वीडियो वॉज टू मोटिवेट यू गाइज कि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल गेट अ गुड सैलरी, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर नहीं ध्यान देना है और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, जल्दी से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और फिर चल करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।